नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग माय ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे और आज का मेरा ये जो ब्लॉग है मैंने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है मैं पाँच सॉरी फाइव फोर्टी को उठ जाती हूँ रोज़ का वही रूटीन होता है मेरा बात लेना घर मोपिंग करना क्लीन करना यही इसे थोड़ा सा टाइम बैठ जाना इसी में एक डेढ़ घंटा चला जाता है उसके बाद मैं डायरेक्ट पूजा कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद ना किचन का एक काम कर लेती हूँ क्योंकि तब तक को तो देवांश का टाइम हो जाता है स्कूल का तो इस सबसे पहले मैं जो भी दूध पैकेट लेके आती हूँ उसे गर्म करने के लिए रख देती हूँ और आज देवांश और देवांश के पापा दोनों भी ऑफिस जाने वाले हैं मतलब सॉरी देवांश के पापा ऑफिस जाने वाले हैं और देवांश स्कूल जाने वाला है घर पे हम दोनों ही हैं श्रीयू और मैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे बना रही हूँ जैसे कि थालीपीठ बोलते हैं हम लोग मराठी में यहाँ पे मेरा यार नाइट का बेसन बचा हुआ था तो उसी का थालीपीठ बना रही हूँ तो जो भी बचा बेसन बचा हुआ था वो ले लिया मैंने उसमें उसके ऊपर ज्वारी का आटा और रूटीन के मसाले ऐड कर दिए हैं जैसे हल्दी पाउडर लाल मिर्च हो गया थोड़ा सा जीरा मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अजवाइन जो है हाथ के ऊपर ही क्रश करके डाल देती हूँ और ये सारे मसाले जो है अच्छे से मिक्स करके लेना है तो यहाँ पे मैंने आटा लगाने के लिए यहाँ पे आ, आपके पास छाछ है तो आप छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरे पास छाछ नहीं था इसलिए मैंने आटे में ही यानी कि जो आटा लिया था मैंने मसाले लिए थे उसी के ऊपर दो से तीन चम्मच यहाँ पे मैंने फ्रेश दही यूज़ किया है और जो भी मतलब थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही है थोड़ा सा बेसन है इसीलिए ऊपर से थो, सिर्फ थोड़े पानी की जरूरत पड़ेगी बीच में ही मुझे याद आ गया था कि ये हम लोग जो है सफ़ेद वाले तिल भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सफ़ेद तिल लेके ऐड कर दिया और अच्छा सा मसल के आटा लगाना है और दस मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम देना है आटे के आटे को सेट होने के लिए तो बस यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है ज़्यादा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें दही डला हुआ है और मैंने तो उसमें जो है ना तो बेसन डाला हुआ था उसे भी काफ़ी अच्छा उसे भी उसे भी काटे को पा, पानी छूट जाता है तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके सॉरी आटा लगा लिया था और यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो ये जो थाली पीठ है स्प्रेड करने के लिए मैं छाछ का यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे दो तीस से तीन चम्मच दही लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था बस यहाँ पे मैंने गीले कपड़े के ऊपर या आप जितना मोटा चाहे रख सकते हो जितना पतला रखना है रख सकते हैं तो आप यहाँ पे मैंने गीले के कपड़े के ऊपर हाथ से आप करोगे लेना तो ईजी ईजिली जो है आपका थाली पीट हो गया मतलब अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और यहाँ पर मैंने चार से पाँच होल लगा लिए हैं क्योंकि थाली पीट जो है ना ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से सीख जाए ऑयल उसमें डाल देंगे तो नीचे तक तो का ऑइल जो है अच्छे से फैल जाता है तो यहाँ पे मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊपर जैसे जारी की रोटी के ऊपर पानी लगाती ना इसी तरह से मैं थोड़ा सा ऊपर से छाछ लगा लेती हूँ और दो मिनट के लिए छोड़ देंगे तो निचला वाला जो हिस्सा है काफ़ी अच्छे से ये सीख जाने के बाद मैंने पलट दिया इसे और इसके ऊपर थोड़ा सा थाली पीट को ना ऑयल ज़्यादा ही जाता है आप थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालोगे जा तो क्रिस्पी एकदम से अच्छे से टेस्ट में भी टेस्ट भी अच्छी आती है तो अच्छे बन के रेडी हो जाते हैं बस मैंने दो दो मिनट रेस्ट दो दो मिनट टाइम दे के ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ऐसे करते हुए स्पून से थोड़ा सा क्रंची टाइप में सेक लिए थे बस कर्ड के साथ आप या फिर अचार के साथ चटनी के साथ खा सकते इसे सब्जी की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काफ़ी सारे मसाले इसमें चले पड़ते हैं तो बस यहाँ पे मेरा ये थाली पेट सेक के रेडी है और मैं देवांश को आवाज़ दे रही थी कि देवांश आ जाओ मतलब खाना है तो खा लेगा वो वैसे उसने दूध भी पी लिया था और दो बनाना खा लिया था मॉर्निंग में ही तो वो बोल रहा था कि भूख नहीं है तो थोड़ा सा मैंने उसे खिला दिया था बट वो खुद से कुछ नहीं करता है सब करना पड़ता है उस, उसके पीछे ही रहना पड़ता है ये करो वो करो मतलब इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वो और ऊपर से थोड़ा शैतानी है स्कूल जाना है बोले तो वो एनी टाइम वो थोड़ा सा रेडी हो जाता है बट स्कूल के लिए उसे थोड़ा मन नहीं होता है इसलिए उसके पीछे रहना पड़ता है नहीं तो लेट कर देगा स्कूल के लिए और उसके आज पापा भी ऑफिस जाने वाले हैं तो मुझे ही पिकअप करना है उसे ड्रॉप करना है स्कूल से तो बस वही जल्दी कर रही हूँ क्योंकि श्रेय को भी थोड़ा सा रेडी करना है वो अभी उठ गया है मतलब आधा घंटा हो गया है तो उसे थोड़ा रेडी करके लेके जाना पड़ेगा बस यहाँ पे देवांश निकल गया है स्कूल के लिए मैं श्रीयू को लेके जाती हूँ उसे ड्रॉप करके आ जाती हूँ तो बस यहाँ पे मैं जो है गेट मतलब घर पे कोई रहे ना तो इतना टेंशन नहीं लगा ला गेट लगाना है डोर बंद करना है सब चीज़ें करके गैस बंद करनी है सब देख के जाना पड़ता है पंद्रह बीस मिनट तो आराम से उसी में चले जाते हैं और घर आने के बाद में मैंने स्त्रियों को नाश्ता करवा दिया था उसे बात भी दे दी थी उसके बाद वो आराम से बात दे ना तो वो आराम से एक डेढ़ घंटा सो जाता है नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं सोता श्री सोने के बाद मैंने जो भी छोटे मोटे काम होते घर के मतलब थोड़ा सा सा घर मैंने काफ़ी सारा सामान फैला हुआ था वो मैंने अरेंज किया टॉवेल से टॉवेल भी गीले वैसे डाल के चले जाते हैं तो गीले टॉवेल से जो भी आप सोच सकते हो रोज के काम कितने सारे काम होते तो वो मैंने सारे काम कर लिए थे मैंने एक चाय भी नहीं ली थी मॉर्निंग से तो बस यहाँ पर ये मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं लंच भी बोल लंच ही बोल सकते हो आप तो मतलब करीब बारह बज गए थे दोपहर के बट बिना चाय कि नहीं चलता है चाय ले तो ही थोड़ा सा अच्छा हो अच्छा लगता है दिन भी अच्छा रहता है फ्रेश लगता है और लंच करने के बाद मेरे काफ़ी सारे मॉर्निंग से बर्तन जमा हुए थे तो बस मैं उसी से वो, वो बर्तन क्लीन कर लेती हूँ रोज ना मॉर्निंग काफ़ी बिजी जाता है शेड्यूल सैटरडे संडे थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा रिलैक्स ही बट रोज का वही है बहुत जल्दी करना पड़ता है काफ़ी मतलब थोड़ा सा ही टाइम इधर उधर हो गया तो पूरा दिन चला जाता है उसी में बस देवांश थोड़ा आज जल्दी से ही आ गया था स्कूल से वो आने के बाद हम लोगों को थोड़ा बाहर भी जाना था उन लोगों ने वही चलता है श्रीयु को श्रीयु का और देवांश का दोनों का भी दोनों को भी फुल मस्ती चलती रहती है देवांश नहीं है तो इतना नहीं करता है श्रीय बट वो आने के बाद ना एकदम से दोनों ही लगे पड़े हुए थे ऑल ऑलमोस्ट मतलब मॉर्निंग से मैंने दो से तीन बार ये घर क्लीन किया है मतलब बेडशीट थोड़ा सा साफ सुफ करना है तो ये एक कुशन भी एक जगह पे नहीं रहता ये ब्लैंकेट नहीं रहता सब नीचे आ जाता है बेड के हॉल में भी वैसा ही है रूम में भी भी वैसा ही जितना भी अरेंज करो ना उतना ही डाल देते बट फिर भी मुझे देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं वही बार बार वही करती रहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब अच्छे लगे नहीं तो थोड़ा सा निगेटिव टाइप लगता है थोड़ा सा अरेंज रहे तो घर अच्छा भी लगता है और दोनों का चल रहा था शोर शराबा तो बस मैं उन्हीं चेक चे, चे कर रही थी जाके रूम से बार बार तो और यहाँ पे ये कपड़े देख रहे हो ना आप ये मैंने कर ये देवांश के कपड़े जो है सारे कपड़े मशीन में लगाए हुए थे मॉर्निंग में ही मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था देवांश स्कूल जाने के बाद बट वो देवांश स्कूल आन, स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा किचन में चाय बना रही थी मेरे लिए तो तब तक तो इन दोनों ने ऐसा कर लिया पूरे कपड़े निकाल के पूरे रूम में फैला दिए थे बट मैंने वो इकट्ठा करके टेबल के ऊपर डाल दिए थे फोल्ड करके ले लू करके बट ये दोनों ना इतना शोर शराबा कर रहे थे कि कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था बाद में उन लोगों को थोड़ा सा खिलौने दिए खाने के लिए वो पफड़ मुरमुरा सिंपल वाला रहता ना वो सिर्फ वो कटोरी में डाल के दिए दोनों को भी इसीलिए वो थोड़ा सा बैठ गए थे और देवांश का ये था कि चूड़ा बना के दो चूड़ा जब से स्कूल से आया है वही बना वही चल रहा है उसका कि चूड़ा ममा चूड़ा वो, वो पफ्ड राइस का जो होता है ना वो चूड़ा वो थोड़ा सा मतलब ऑयल में फ्राई करके उसका चूड़ा बनाते हैं काफ़ी अच्छा लगता है स्नैक्स आइटम बच्चों को भी पसंद आता है वैसे देवांश को भी बहुत पसंद है उसके ऊपर वो दही डाल के काफ़ी पसंद करता है खाने में तो बस वही मैंने वो चूड़ा बना के दे दिया था तब मोबाइल की बैटरी भी नहीं थी डाउन हो गई थी इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया है मैंने उसे चूड़ा दोनों को भी दिया है थोड़ा सा कर्ड मिक्स मिक्स करके ऊपर से दे देती हूँ दे देती हूँ सॉफ्ट हो जाता है श्री भी खा लेता है तो बस वही दोनों खा लिए थे उसके बाद यहाँ पे पूरा फैला दिया था इसलिए थोड़ा सा झाड़ू मार के क्लीन भी कर लिया था और मैंने श्री को थोड़ा सा हैंड वॉश करके लाई हूँ काफ़ी टाइम से वो उसी में वो चूड़ा खाया ना वो दही इधर उधर मतलब हाथ को पाँव को सब जगह पे लगा के ले लिया था और थोड़ा सा बाहर जाना है मेरी कज़न भी आने वाली है तो बस वही बच्चों को रेडी कर रही हूँ कि चल चलो जल्दी से चलते हैं बट इनका है कि नहीं नाम ही नहीं है जितना जल्दी कर रही हूँ उतना ही वो मुझे लेट कर रहे और बाहर आप देख सकते हो पूरा अंधेरा फैला हुआ है क्योंकि मौसम तो ऐसा है ना घर पर आने के बाद वो काफ़ी बारिश हो गई थी हम लोग तो बस बट पास में ही जाना था इसीलिए हम लोग जा गए थे कज़न है इसलिए तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है वो वो साथ में रहे तो तो बाद में बस आप देख सकते हो बाहर फुल अंधेरा छाया हुआ था बट रेडी भी हो गए थे बच्चों भी कभी कर करके था हाँ के बाहर जाना इसीलिए हम लोग निकल गए तो बस यहाँ पे मैं देवांश को श्रीव को जो है थोड़ा टाइम बेड के ऊपर बिठाई थी उसके साइड में पर्स पड़ा हुआ था तो वो चालू हो जाता है फिर से ये चीज़ निकालना वो चीज़ निकालना एक दो बार तो ऐसे करके उसने पैसे पर्स से निकाल के बेड के साइड में नीचे डाल दिए थे बाहर जाके मैं देखी तो क्या पैसे ही नहीं पर्स में तो फिर घर आके मुझे लेके जाके पैसे लेके जाके, ले जाके बाद में शॉपिंग करनी पड़ी थी मतलब जो भी थोड़ा बहुत कुछ सामान लेने के लिए जाते थे ऐसे कर देते बच्चे कभी कभी और बस हम लोग यहाँ पे बाहर निकल गए थे इसके आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया है बारिश भी काफी हो रही थी तो यहीं तक था फ्रेंड्स आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक दे सकते हो मैं मिलती हूँ आपको